बहुजन मीडिया का स्वागत है। और आज की जो ये सम्मेलन प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जो कल एक टीवी चैनल जिसका नाम एनपीटी है, उसने कुछ एक समाज के अंदर एक भ्रांति फैलाने की और गलत तरीके से साक्ष्यों को तोड़ मोड़ कर समाज के सम्मुख को रखने की कोशिश की है, समाज को एक समाज के अंदर एक गलत फिल्म डालने की कोशिश की है, उसी के संबंध में आज ये बैठक बुलाई गई है। और हमने अभी आपको पहले जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन ये हो रहा है बहुजन समाज का, जिसका 26 नवंबर 2018 को तालकटोरा में प्रातः 10 बजे आयोजन किया जा रहा है, उसके विषय में हम बताना चाहते हैं आप सबको कि हमने पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महासंघ आज का संघ नहीं है, ये 97 में बना था और 97 से ये संघ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता आ रहा है। इस संघ ने 97, 98, 99, 2000 में लाखों लोगों की रैली दिल्ली में देश के आरक्षण को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य आरक्षण को बचाने के लिए अनेकों रैलियां दिल्ली की धरती पर की हैं, अनेकों प्रदर्शन जंतर मंतर पे किए हैं, अनेकों सेमिनार किए हैं, देश के कोने कोने में आंदोलन हुआ है। इसके लिए इसके पदाधिकारी जेल तक गए हैं और उन पर मुकदमे भी बरसों तक चले हैं। उसके बावजूद संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 कराने और पदोन्नति में आरक्षण बहाल कराने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय दिन रात आप सबके सहयोग से जो प्रयास हुए हैं उसको कराने में ये संगठन कामयाब रहा है। अभी इसी कड़ी में, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, महासंघ के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया। तालकटोरा जो दिल्ली का एक बड़ा ऑडिटोरियम है उसको बुक किया गया और उसमें 26 नवंबर 2018 को प्रातः 10 बजे से ये एक हमने इसका बहुजन समाज के बैनर के तले, क्योंकि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 तारीख को की थी उसमें बताया था कि ये महासंघ का इसमें आयोजन करने का एक इरादा था, लेकिन अब इस बैनर का नाम बदल करके महासंघ की जगह इसमें बहुजन समाज के बैनर के नीचे कार्यक्रम तालकटोरा में आयोजित किया जाएगा और उसमें सभी संगठनों के लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध साथी, सभी भाई और बहन, सभी अम्बेडकरवादी, सभी भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी, सभी लोगों को इसमें, संविधान को प्यार करने वाले लोग, सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली प्रदेश का, जो हमारा मुख्यालय है बहुजन समाज पार्टी का, हमारा पूरे महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर बी एस भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वर्किंग चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, पूरी टीम हमारी वहाँ पर गई और वहाँ जाकर के बहन जी को विधिवत रूप से हमने अपना निमंत्रण दिया कि आप इस कार्यक्रम में बहन जी आए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी चौधरी सुरेंद्र जी ने इस बात का आश्वस्त किया कि वो बहन जी से बात करेंगे, उनकी पूरी कोशिश होगी कि बहन जी अगर चुनाव सभा में उस दिन नहीं, दिल्ली से बाहर नहीं रही, तो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, क्योंकि पूरे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का ये एक बहुत बड़ा समागम होगा। देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं और इसमें समाज को मजबूत करने के लिए बहन जी अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच आती हैं तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही हितकारी कदम साबित होगा। इस सम्मेलन में या इससे पहले 2 सम्मेलन और हुए हैं, उसके अलावा महासंघ देश विदेश में छोटे मोटे जो कार्यक्रम है, महासंघ के तत्वाधान में हर महीने छोटे मोटे कार्यक्रम आते रहते हैं और मीडिया को कवर कर प्रचार प्रसार करने का काम करती है। तो क्या कहीं पर भी आज तक महासंघ ने या महासंघ की जो और भी ब्रांचेज हैं, जो 40-42 संगठनों का जो पूरा महासंघ है, उनमें से किसी ने कभी बहन जी के नाम का सहारा लेने की कोशिश की है या बहन जी के नाम को प्रचार प्रसार करके अपने संगठन को ऊंचा करने की कोशिश की है, जैसा कि इल्जाम लगाया गया है आपके ऊपर? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी हमारे समाज की आइकॉन हैं, हमारे समाज की एक लोकप्रिय नेता हैं और आज पूरे देश में समाज की एक चाहत है कि वो देश को बतौर प्रधानमंत्री अब 2019 के चुनाव में जीतें और देश को एक अपना सफल नेतृत्व प्रदान करें। जहां तक बहन मायावती जी के नाम का इस्तेमाल करने का प्रश्न है, तो 2013 में भी अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन किया था, आप सब लोग साक्षी हैं कि उसमें खचाखच भरा हुआ था अंदर और बाहर। 2017 में फिर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन हुआ दिल्ली की धरती पर तालकटोरा स्टेडियम में, वो भी आपने देखा, जितने आदमी अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे। और 2018 में यानी 26 नवंबर को ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें भी अंदर और बाहर जो संख्या होगी वो आप स्वयं उसको आकलन करेंगे। तो जहाँ तक बहन जी के नाम का सहारा लेने वाली बात है,
बहन जी तो हमारी आइकॉन है, बहन जी और हम तो एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, समझ बात आप। उनके नाम का सहारा लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो हमारे समाज की एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर आदमी उनको प्यार करता है। रही बात ताल कटोरा को भरने के लिए, इतिहास साक्षी है कि ताल कटोरा को भरने के लिए महासंघ पूरी तरह सक्षम है। ताल कटोरा के अलावा रामलला मैदान को भरने में महासंघ पूरी तरह सक्षम है, और अनेकों बार दिल्ली के रामलला मैदान में लाखों लोगों की रैलियां और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में दो बार अंतर्राष्ट्रीय दलित सफल सम्मेलन हम लोग आपके सम्मुख कर चुके हैं। तो जहां तक जिस शरारती तत्व ने ये खबर लगाई है, मुझे बड़ा जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो हमको और बहन जी के बीच में अगर वो एक फर्क महसूस कर रहे हैं श्रीमान जी, तो बहुत बड़ी नासमझी कर रहे हैं। हम तो बहन जी के, एक पूरा समाज आज बहन जी के साथ लगा हुआ है, पूरे समाज आज बहन जी को फॉलो कर रहा है और बहन जी को अपना सर्वमान्य नेता मानता है। भाई साहब चौधरी साहब, जो महासंघ के व्हाट्सएप पर जो मैसेज गए हैं, फेसबुक पर जो मैसेज गए हैं, या यूट्यूब पे जो मैसेज गए हैं, क्या कहीं बहन जी के फोटो का इस्तेमाल किया गया है? देखिए मैं इस संबंध में, इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ये महासंघ के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके सम्मुख हैं, जो आपने भी इनको देखा होगा, ये हिंदी और अंग्रेजी के ये डॉक्यूमेंट हैं, इनका आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। इनमें बहन जी का नाम या फोटो अगर कहीं पर भी आप देखें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ कहा गया है कि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को, मिनिस्टर्स को, एमपीस को, सोशल एक्टिविस्ट को इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया है, मतलब ये आपके सम्मुख है। तो महासंघ के द्वारा बहन जी का फोटो इस्तेमाल करना, बहन जी का नाम इस्तेमाल करना, ये मुझे लगता है कि ये शरारती तत्वों के द्वारा की गई एक साजिश है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आपके सम्मुख है। तो चौधरी साहब, जिस चैनल ने ये न्यूज लगाई है, कुछ व्यक्तिगत आपका उनसे कुछ ड्रेस या कुछ उस न्यूज चैनल का कोई ड्रेस? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि परसों भी हमारा जो ये सेंट्रल पार्क है, झंडे के नीचे कार्यक्रम हुआ था जी। और उसके बाद में वो टीम हमारे कार्यालय में भी, कल की तो बात है, कल वो हमारे दफ्तर में भी आए थे श्रीमान जी। और जो भी हमारा एक तरीका है भाई, प्यार मोहब्बत कर देने का, हम अपना अपनापन देने में हमेशा, हमें माना जाता है कि हम जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसे हम पूरा प्यार और अपनापन देते हैं। तो कल भी हमने ऐसी कोई बात महसूस नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस झूठी खबर को लगा करके समाज के अंदर जो भ्रांति फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। सर साथ के साथ उन्होंने एक बहुजन मीडिया को बदनाम करने की भी कोशिश की है कि पैसे लेकर गलत खबर लगाने का भी उन्होंने एक मैसेज दिया है। देखिए और ये कौन है मासे है जो अपने आपको वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं, उनका नाम भी आप उजागर करें। देखिए मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा एक काम करने का तरीका, जिससे हमारा सोशल मीडिया भी परिचित है, कोई भी ज़रूरतमंद अगर हमारे समाज का कोई भाई और बहन या कोई संगठन आता है, जैसे किसी को मीटिंग करनी है तो हम कहते हैं भैया यहाँ हॉल में कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो। जस्टिस केजी बालाकृष्ण भारत के चीफ जस्टिस रहे 3.5 साल तक, पिछले 5 साल से वो लॉ की क्लास यहाँ ले रहे हैं। उन्होंने बहुत कहा कि कुछ हमें आर्थिक सहयोग हम देना चाहते, तो हमने विनम्रता से उन्हें कहा कि आपके आर्थिक सहयोग के लिए धन्यवाद, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, बट आप यहाँ क्लास लेते रहिएगा। भिन्न भिन्न संगठन यहाँ पर आकर के अपनी बैठकें कभी ना कभी करते ही रहते हैं। इसके अलावा कोई आदमी हमारे पास आता है और उसकी कोई आर्थिक तंगी किसी प्रकार की होती है, तो हम अपने संगठन की तरफ से उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे संगठन के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं कि अगर हमारा कोई पदाधिकारी की ऐसे में मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके परिवार को 1,00,000 रुपये उसके घर पर पहुंचाने का काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, किसी की फीस अगर नहीं जा रही है, किसी का कई बार बिजली का बिल नहीं जा रहा है, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम है, कोई आकर के हमसे मिलता है, तो हमारे संगठन का प्रयास होता है कि हम उसके आंसू पूछने का काम करें। पिछले दिनों एक हमारी जो एथलीट लड़की है, गीता नाम है शायद उसका, वो आई थी, उसके जूते किसी ने चुरा लिए थे, तो उसने कहा कि अंकल मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो हमने कहा बेटा क्या दिक्कत है कि मेरे जूते किसी ने चुरा लिए हैं? तो हमने कहा कितने के जूते? उसने कहा 12,000 रुपये के। तो हमने 12,000 रुपये का चेक दिया। ये भाई राजकुमार गौतम जी जो NPT न्यूज़ जो अभी बात करते हुए दिखे हैं, ये 2-3 बार 4 बार हमारे पास आए हैं। इन्होंने कभी कहा कि मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं गई है, तो इन्होंने कहा साहब मुझे 6,000 रुपये की आवश्यकता है।
तो इनको 6000 रुपये का मदद दी गई 22 जुलाई 2016 को। इससे पहले इनकी कोई आर्थिक तंगी चल रही थी इनके परिवार में, तो इन्होंने फिर मदद मांगी, तो इनको 3 फरवरी 2016 को 5000 रुपये की एक बार मदद की गई। फिर ये 21 जनवरी 2017 को यहाँ पर आए, इन्होंने फिर हमसे मदद मांगी, तो इनको 3000 रुपये का एक चेक हमने फिर दिया। 24 अगस्त 2018 को ये अभी आए, इन्होंने कहा कि साहब हमारे हमें साहब बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हमारी दिक्कत है साहब, हमें मदद करिए। एक 10000 रुपये का चेक इनको दिया गया। 25 अप्रैल 2017 को भी इनकी कोई प्रॉब्लम थी, 4000 रुपये चेक के माध्यम से दिया गया। तो ये चेक का पूरा ब्यौरा है जो राजकुमार गौतम के नाम जारी है, उनके खाते में इसका बाकायदा है, आप इसको ले सकते हैं। ये इनके नाम पर जारी किए गए, ये इनके नाम पर पैसे चेक जारी किए गए, चेक नंबर के साथ ये डिटेल यहाँ मौजूद है। ये समय समय पर यहाँ आते रहे हैं और इन्होंने अपने घर की परिवार की तंगी जब जब हमसे बताई, इसके मैंने जैसा कहा कि बच्चों की फीस नहीं जा रही है, तो इन्होंने फीस के लिए हमसे मदद मांगी, तो हमने फीस दी। और ये बाकायदा हमारे संगठन के चेक हैं जो इनके खाते में इनके नाम से काटे गए। राजकुमार गौतम आवाज इंडिया टीवी चैनल के दिल्ली NCR ब्यूरो चीफ है। देखिए उसके बारे में ब्यौरा देना चाहता हूँ, पिछला जो प्रोग्राम हमारा हुआ था 14-15 मई 2017 का तालकटोरा स्टेडियम में, तो ये आवाज़ इंडिया के नाम से हमारे पास आए थे, आवाज़ इंडिया के नाम से हमारे पास आए थे, और आवाज़ इंडिया के नाम से इन्होंने हमसे कहा कि हम आपके प्रोग्राम का कवर करना चाहते हैं। तो उस समय भी आवाज़ इंडिया के नाम से इनको जो हमारे यहाँ से पेमेंट की गई है, इनको 1,00,000 रुपये का कैश पेमेंट एक बार किया गया, 64,000 का एक बार किया गया, 50,000 का इनको एक बार किया गया, 14,000 का एक बार किया गया है। इस टाइप से ये आवाज़ इंडिया के नाम पर भी इन्होंने कुछ पेमेंट्स हमारे यहाँ से रिसीव किए हैं, इसका ब्यौरा भी इसमें लिखा हुआ है। लगभग टोटल अमाउंट कितना? टोटल अमाउंट इसमें जो टोटल बताया जा रहा है 2,56,000 का इसमें टोटल है, जिसको इन्होंने स्वयं रिसीव किया है। मतलब 3 साल का आपका संबंध उन्होंने हवा में उड़ा दिया। देखिए ये संबंध तो हम नहीं कह सकते, हमने अपनी तरफ से अच्छाई करने की कोशिश की है, क्योंकि जो ये अमाउंट आवाज़ इंडिया के नाम से दिखाया जा रहा है, ये उन्होंने जो अभी मैंने कहा कि 2017 का जो अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन हुआ था उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए उन्होंने पैसा प्राप्त किया, समझने बात था, क्योंकि ये आवाज़ इंडिया के यहाँ के जो है अपने आप को जो है रिप्रेजेंटेटिव बताते रहे, और आवाज़ इंडिया के नाम से ये जो भी पैसा महासंघ के द्वारा दिया गया उसका ये ब्यौरा आपके सम्मुख है। अच्छा सर, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आवाज़ इंडिया के माध्यम से वो यहाँ पर आते रहे, क्योंकि आवाज़ इंडिया बहुजन का पहला नेशनल चैनल है जो सैटेलाइट पर आता है, तो क्या आवाज इंडिया के माध्यम से जब वो आपके पास आए, उन्होंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी आवाज इंडिया की आईडी से लिए, तो क्या वो आपको आवाज इंडिया पर मिले आज तक? देखिए इस विषय में तो मैंने ऐसा है कि आप जानते हैं कि मेरे इंटरव्यू अक्सर होते ही रहते हैं, और ये कई बार व्यस्तता के कारण मैं देख नहीं पाता, हो सकता है उन्होंने डाले या नहीं डाले, लेकिन मैंने उसका ऐसा संज्ञान नहीं लिया है कि उन्होंने कोई डाला है या नहीं डाला है। मैं ये भी कह सकता हूँ उन्होंने डाले भी होंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ शायद ना भी डाले हों, बट मेरे को इस विषय में ऐसा नहीं है कि उन्होंने डाले नहीं डाले, मैं इसमें युक्तिपूर्वक निश्चित नहीं हूँ।